देख सकते हैं वो होटल में आ गए। मम्मी यहाँ पे डाली, मैं भी यहाँ पे नहा चुकी हूँ। यहाँ पे दिशा भी डाली है, कपड़ा पहन रहा है, गर्मी हो रही है। मैं सब कंबल ले चलो वंदना जी, बड़ी वाली कंबल। अभी रात को बदलते देखो वंदना जी, अभी रात देखोगी बढ़िया। मेरा कपड़ा, मेरा कपड़ा कहाँ है? अरे अरे अरे, एक भाई इतना बड़ा जैकेट यार। तो यहाँ पे बहुत ही गर्मी पड़ रही है गाइस, यहाँ पे देख सकते हो। कुछ बोलना चाहते हो? हाँ, कुछ बोलना चाहते हो? बोलना क्या, नहाने के बाद ही बोलेंगे अभी। ओ गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। मेरा लट्टू वहाँ पे है, जुड़ रही है। टू माय यूट्यूब चैनल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भाई अभी तो थोड़ा सा मेकअप कर रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं। तो हम लोग फाइनली भोपाल पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या क्या, मतलब कि बहुत मुश्किल हुआ है दर्शन करना, सीहोर जाना। तो बने रहिए ब्लॉग के अंदर। और ये होटल देख सकते हैं, सबने बुक किया है और सब वहाँ आके धीरे धीरे रेडी हो रहे हैं। एक ही होटल में आप लोग सोचेंगे एक ही होटल में सब लोग क्यों रुक गए, यानी एक ही कमरे में, क्योंकि एक ही कमरे में हम लोग इसलिए रुके हुए हैं कि थोड़ी देर यहाँ नहा धो के फिर निकलना है बाबा के लिए दर्शन करने। वंदना जी रोने लगी थी स्टेशन पे, बहुत रोई। मैंने बोला बाबा अब इतने दूरी तक हम आए, अब कुछ भी इंतजाम करके वहाँ तक बुला लो, देखते हैं। फिर भी बुलाए हैं, अब वहाँ पहुँच जाए तभी जाने की हम दर्शन कर लें। अभी तो बहुत मुश्किल लग रहा है। मुश्किल से ही तो दर्शन होता है, आसानी से दर्शन हो जाए तो दर्शन किस काम का। अरे बात यार, तो सब धीरे धीरे नहा के यहाँ पे रेडी हो रहे हैं, देख सकते हैं। देव की देव महादेव, देखिए आप लोग भी दर्शन कर सकते हैं। आ रहा है बाबा, एक सहारा है आपके चरणों की धूल बाबा, और कुछ नहीं हूँ। भाई कहाँ चले गए? जो ये देखिए भाई, गाड़ी चल रही है। तो ये सीहोर का जो खेत है सब यहाँ कथा हुआ है ना, शायद पन्नी फाइनली हम सब पहुंच गए हैं। आप लोग को बैक कैमरा करके दिखाते तो हैं, खुश है। सब गाड़ी से उतर रहे हैं गाइस। कितना परीक्षा बाबा लिए हैं, इतना परीक्षा लिए हैं, ऐसा परीक्षा लिए हैं शायद जिंदगी में ना कहते हैं। जय हो बाबा भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। इनका दर्शन पाने के लिए मैं एक डेढ़ साल से तड़प रही थी, मिला तो बहुत तड़पते तड़पते मिला, बहुत जल्द नहीं मिला। गाड़ी से उतरी हूँ तो पहले बाबा को प्रणाम की, उसमें वीडियो नहीं शूट की थी, लेकिन फिर से कर लेती हूँ। बाबा आपकी धरती पे आई हूँ, सलामत रहना। और क्या बताना पड़ता है, आप जब भी आओ पहले इनको प्रणाम करो, तब जाइए दर्शन करने के लिए। तो चलिए बने रहिए, फिर आगे जैसा होगा आपको दिखाते हैं। तो कुबेरेश्वर धाम ये मंदिर है जो बन रहा है अभी, अभी पूरा निर्माण नहीं हुआ है मंदिर का, देख सकते हैं। और सब लोग यहाँ पे काम वगैरह चल ही रहा है, आप लोगों को दिख जाएगा कैमरे में सारी एक एक चीजें हम दिखाएंगे आप लोगों को। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बिना चप्पल के हम लोग सब देख सकते हैं कैसे बाबा परीक्षा ले रहे हैं। बोल रहे थे इसको पहना दो चप्पल, पर बोला था पहन। ये परीक्षा की घड़ी है, इसको ले लो गोदी में, इसको गोदी ले लो नहीं। तो गाइस यहाँ पर कंकड़ है, इसी कंकड़ को शंकर पूजते हैं। और देखिए मंदिर के पास हम लोग पहुँच गए हैं लगभग। चुभ रहा है, मैं बोली थी स्लीपर पहन के आते मंदिर के बाहर जो होते उतार देते, लेकिन मुझे नहीं पता था, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। अगर कभी भी आप आइए रुद्राक्ष के लिए लाइन लगाओ, तो बच्चे के लिए जरूर स्लीपर वगैरह पहना कर लाए। तो मैंने सोची भाई सिंपल है होगा, लेकिन क्या कह रहे, चलिए कोई बात नहीं, सब परीक्षाएं हैं हम लोगों की। भाई किट्टो बाबा बहुत परीक्षा ले रहे हैं हम लोगों का, और चल रहे हैं ऐसे ऐसे चल रहे हैं कि पूछो ही मत।
वो दिन याद आ रहा है जब हम लोग कावर लेके जाते थे और ऐसे ही चलते थे, पैरों में चुभता था, वही दिन याद आ गया है। दिखाते हैं आप लोगों को। और हम लोगों के साथ में ही नेहा तासी भी मिल गई हैं। किसी ने कमेंट भी किया था कि भैया नेहा तासी भी वहीं रहती हैं, आप लोग जाइएगा उनके घर। तो भगवान की महिमा देखिए, वो लोग भी हम लोगों के जस्ट पीछे पीछे ही आ रही हैं। ये देखिए कैसे चल के आ रहे हैं लोग। वो देखिए नेहा तासी आ रही है चल के, वो लोग भी पैर में देखिए, भोले बाबा परीक्षा ले रहे हैं सबका। ऋषभ देखो, ऋषभ भी नहीं पैर में पहना हुआ है। हर हर महादेव। अभी यहाँ पे काम चल रहा है, बन रहा है सब कुछ। तो यहाँ पे यहाँ से लाइन लग रहा है रुद्राक्ष के लिए, रुद्राक्ष के लिए। चलो आगे चलो, आगे चलो, मम्मी का आगे जाओ। आपके तो यहाँ पे कुछ टीका वगैरह लगाया जा रहा है, ये जो होता है। जय महादेव श्री शिवाय नमस्ते हर महादेव। जय शिव। रुद्राक्ष मिल गया, देख सकते हैं आप लोग, एक ही लोगों को मिलता है एक बार में। हर हर महादेव। कहाँ भाग गए निकल के? अब ये कहाँ भाग गए? दिखाओ जी। देखो हम लोग को रुद्राक्ष मिल गया। आ रहे आ रहे, वो भी लाइन में लगे हैं। नेहा तासी लोग भी आ गए। आ गए वो भी आ रहे हैं। भाई गर्मी हो रही बाबा। तो महादेव का दर्शन करिए आप लोग भी। ये महादेव का शिवलिंग जो कि अभी बन रहा है। एक समय हम टीवी में देखते थे, कथा में देखते थे, आज मैं यहाँ आई हूँ। पूरे एक पहले आई क्योंकि रुद्राक्ष जब होता है सुबह 10 बजे से 8 बजे या 10 बजे से शाम को 5 बजे मिलता है, फिर इसलिए पहले मैं रुद्राक्ष की लाइन में लगी, रुद्राक्ष लिया। फिर यहाँ देखिए कितना सुंदर शिवलिंग वगैरह बन रहा है। और ये है चलते पूजा करते हैं वहाँ पर, प्रसाद लेते हैं। अभी किट्टू में इतना इंतजार कर रहे हैं, पीछे लाइन में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफी ज्यादा तादाद में भीड़ है। भीड़ ये देखिए शेष नाग जो दिखता है, सुबह में ही भीड़ था लेकिन और लोग जा चुके हैं। अभी हम लोग का दूसरा टाइम हो गया है और यहाँ पे देख सकते हैं त्रिशूल, वो मूर्ति देखो टीवी में दिख रही थी। ये मंदिर है जो अभी बन रहा है। यहीं से सबको रुद्राक्ष मिलता है। वो भी आए हैं, तिवारी जी की बहू भी आई। वो लोग लाइन ही तो लगे थे, वो हम लोगों के पीछे ही तो थी, पीछे थे। भाई क्या मिला भाई? साइड में आ साइड में, साइड में। चलो पूजा कर लेते हम लोग अपना करेंगे यार। सिहोर वाले जी के महाराज के पास। अब
कुछ भी नहीं देखे हैं, कुछ भी नहीं देखे हैं। नमस्ते, ये मम्मी हम वीडियो देखते हैं, वो यूट्यूबर है ये, आ जाइए आज हमने रियल में देख लिया है। बाबा ने बुला लिया नए साल में। आज हड़ताल, आज हड़ताल था, गाड़ी भी नहीं आ रही थी। अरे हम लोग को डेढ़ घंटा रोके रहा, बहुत परीक्षाएं ली है तब जाकर यहाँ पहुँचे। और आप अच्छे से श्री शिवाय नमस्तुभ्य महाराज महादेव हमारे कृष्ण जी। चलो सामान लेते हैं, देखो पूजा कहीं भी कर सकते हो। तो यहाँ पहुँच चुके हैं प्रसाद की दुकान पे, और प्रसाद की दुकान पे हम प्रसाद खरीद रहे हैं, देख सकते हैं बहुत ज्यादा भीड़ है। यहाँ पर कैसे होगा पूजा, पहली बार आ रही है? ये वाली पूजा सिल्ला में होगी, पूरी वाली एक नंबर गेट पे, एक नंबर झंडा दिख रहा ना दे देना, दस ये 20 का है।